चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हमें फोर्स पॉलीगन बनाना है। तो फोर्स पॉलीगन हमने बना लिया था, इसके माध्यम से पहले वर्टिकल लाइन या वर्टिकल वाली लाइन बना लिया था, इसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया था, फिर बाकी के जो पैरेलल लाइंस है वो बना दिया था। अब हमें पता करना है किस मेंबर में किस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, डायरेक्शन पता करना। तो देखिए डायरेक्शन पता करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हमें सबसे पहले ये ऊपर वाला मेंबर ले लेना है, A1 मेंबर। A1 मेंबर पर फोकस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हमने इधर से वन किया, चलिए C1 देख लेते हैं। C1 को हमने फर्स्ट दे दिया था, तो C1 को देखते हैं C1 में क्या फोर्स आ रहा है। अब C1 के लिए C1 को पकड़ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, इस लाइन को पकड़ लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, अब हर एक लाइन या मेंबर के दो ज्वाइंट होंगे, लेफ्ट और राइट ज्वाइंट या टॉप और बॉटम ज्वाइंट। अगर मान लीजिए ऐसा है तो उसके दो ज्वाइंट टॉप और बॉटम होंगे, अगर ऐसा है तो लेफ्ट और राइट होंगे, और अगर ऐसा भी है तो भी लेफ्ट और राइट होंगे। तो कुछ भी कह सकते हैं, एक मेंबर के दो ज्वाइंट है, लेफ्ट और राइट कह सकते हैं या टॉप और बॉटम, जिस तरीके का मेंबर है। तो यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो एक लेफ्ट ज्वाइंट है इसका, एक राइट ज्वाइंट। अभी हम राइट वाले ज्वाइंट को पकड़ते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी मेंबर के दोनों ज्वाइंटों पर फोर्स का नेचर एक जैसा ही होगा, या एरो का नेचर एक जैसा ही होगा। एरो अगर एक ज्वाइंट में दूर की तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ भी दूर की तरफ ही जाएगा, ये रूल है। लेकिन स्टार्टिंग में हमको क्या करना है, चेक भी करना है। सबसे पहले चेक करेंगे कि दोनों तरफ सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए राइट ज्वाइंट को पकड़िए, राइट ज्वाइंट को पकड़ने के बाद यहां पर थंब रखिए, और थंब रखने के बाद क्लॉकवाइज घूमिए। तो जैसे ही आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, ये देखिए इस तरीके से घूम जाएंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा और फिर वन, यानी सी से वन की तरफ जाएंगे। सी से वन की तरफ जाएंगे तो अगर इस ज्वाइंट पर हमको डायरेक्शन पता करना है तो यहां पर थंब रखिए, आप जब करेंगे तो उसको थंब यहां पर रखेंगे, ठीक है, और अपने थंब से बाकी जो फिंगर्स हैं उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, फिर उसके बाद वन पर हम पहुंचेंगे। तो सी से वन जाना, यानी इस वाले ज्वाइंट पर हमको एरो ऐसा बनाना है जो सी से वन की तरफ ले जाए। तो यहां तो एरो नहीं पता चलेगा हमको, यहां पर पता चलेगा। तो यहां पर भी हमें वही ज्वाइंट पकड़ना जो इधर हमने C1 मेंबर का राइट वाला ज्वाइंट पकड़ा हुआ था, यहां पर भी C1 मेंबर का राइट वाला ज्वाइंट पकड़िए। और देखिए कि C से 1 जाने के लिए कैसा एरो बनाना पड़ेगा। तो देखिए C से 1 अगर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यानी C से दूर जा रहा, यानी उस ज्वाइंट से दूर जा रहा। तो देखिए उस ज्वाइंट से दूर जा रहा हमने बना दिया एरो। यहां नहीं एरो बनाना, यहां सिर्फ समझना है, यहां पर एरो बना देना। दूसरी तरफ आ जाते हैं, लेफ्ट साइड वाला ज्वाइंट, C1 मेंबर का लेफ्ट वाला ज्वाइंट पकड़िए, लेफ्ट वाला ज्वाइंट। अब यहां पर क्लॉकवाइज जाएंगे, तो यहां पर क्लॉकवाइज जाएंगे तो कुछ इस तरीके से घूमेंगे। तो क्लॉकवाइज जाने पर सबसे पहले क्या आया, वन, फिर सी, वन से सी जाएंगे। तो C1 मेंबर के लेफ्ट ज्वाइंट में वन से सी जाना है। तो अब इस डायग्राम में आ जाइए, C1 मेंबर का लेफ्ट वाला ज्वाइंट में वन से सी जाइए। तो देखिए एरो कैसे जा रहा है, एरो ज्वाइंट से दूर जा रहा है, तो एरो ज्वाइंट से दूर चला गया। जब एरो दोनों तरफ देखिए सेम नेचर आ गया, इधर भी दूर जा रहा था, इधर भी दूर जा रहा था। और जब ज्वाइंट से दूर की तरफ एरो जाता है तो फोर्स का नेचर कैसा होता है, टेंशन होता है। तो इसमें कैसा आ गया, टेंशन। C1 मेंबर में टेंशन फोर्स आ गया। तो यहां पर फोर्स टेबल जब बनाएंगे तो वो तीनों मेंबर लिख देंगे जिन पर फोर्स पता करना है। हमारे यहां पर मेंबर है A1, B1 और C1। तो A1, B1 और C1 ये हमारे नाम है। एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया गया था उसका नाम क्या था, PQ, QR और RP। ये लिखना जरूरी है भले ही या ना लिखें, लेकिन चूंकि हमको इसके माध्यम से पता चलना है तो ये भी लिखना है, ब्रैकेट में अपने समझने के लिए ये भी लिख ले। अब हमको पता है कि जो C1 है, C1 क्या है, PQ है। PQ में कैसा फोर्स आ गया, टेंशन। तो यहां पर हम टेबल में दो पार्ट कर देते, एक तरफ टेंशन एक तरफ कंप्रेशन, यानी यहां पर लिखना पड़ेगा PQ को। अब C1 हो गया, दूसरा हमने क्या समझा था, A1 ले लिया था। A1 को पकड़ लेते हैं, A1 में टॉप और बॉटम समझ लेते हैं, ठीक है, या राइट और लेफ्ट समझ लेते हैं। तो इसका हमने टॉप वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है। A1 का टॉप वाला पोर्शन लेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो क्लॉकवाइज जाइए, कैसे जाएंगे, वन से ए जाएंगे। देखिए क्लॉकवाइज, ये इस तरीके से,
वन से ए जाएंगे, यानी ए वन मेंबर के टॉप ज्वाइंट में वन से ए जाना है। यहां पर भी आइए, ए वन मेंबर का टॉप वाले ज्वाइंट में वन से ए जाएंगे, वन से ए जाएंगे तो कुछ ऐसा एरो बनेगा। तो ऐसा एरो बनेगा तो किस तरीके से ज्वाइंट के तरफ आ रहा है, तो देखिए ज्वाइंट के तरफ वाला एरो बनाया गया यहाँ पर, ठीक है। नीचे वाले पर आ जाइए, ए वन मेंबर के बॉटम ज्वाइंट में, ए वन मेंबर के बॉटम ज्वाइंट में क्लॉकवाइज घूमिए, तो यहां पर नहीं घूमना है, यहां पर देखना है। ए वन मेंबर का बॉटम वाला ज्वाइंट क्लॉकवाइज जाइए, ये क्लॉकवाइज मैंने बना दिया था, कैसे जा रहे हैं, ए से वन जा रहे हैं। ए वन मेंबर के बॉटम ज्वाइंट में क्लॉकवाइज घूमने पर ए से वन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। ए से वन जाएंगे, अब इसके बॉटम ज्वाइंट में ए से वन जाइए, ए से वन जाएंगे तो कुछ ऐसा एरो बनेगा। देखिए ज्वाइंट की तरफ आ रहा है, इसमें भी ज्वाइंट की तरफ आ रहा है, इसमें भी ज्वाइंट की तरफ आ रहा है, इसका मतलब हमने जो बनाया वो तो सही है, लेकिन अब मेंबर का नेचर कैसा है, अगर ज्वाइंट की तरफ आ रहा है मतलब कंप्रेशन आ रहा है, यानी ए वन को किस में लिखेंगे, कंप्रेशन में। तो ए वन को कहां लिख दिया हमने, कंप्रेशन तरफ लिख दिया। देखिए ये कंप्रेशन वाला पोर्शन है, ये टेंशन वाला पोर्शन। अब बी वन में आ जाते हैं, बी वन देखते हैं, बी वन का टॉप वाला ज्वाइंट ले लेते हैं, ठीक है, और क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करते हैं। बी वन के टॉप वाले ज्वाइंट में क्लॉकवाइज जाएंगे तो देखिए बी से वन की तरफ आएंगे, घूम के देखना है आपको, कॉपी में थंब रखने के बाद घुमाना है उसको, ऐसे सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे तो गलत भी हो सकता है। बी से वन, बी से वन की तरफ जाना है। अब कैसे पता चलेगा किधर एरो बनेगा, तो यहां पर आ जाइए, बी वन, बी वन का टॉप वाले ज्वाइंट की अभी हम बात कर रहे थे, तो टॉप वाले ज्वाइंट में बी से वन जाना है, यानी एरो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, यानी कि ज्वाइंट की तरफ आ रहा है, तो ज्वाइंट की तरफ आ रहा है। अब हमें रूल से भी ऑब्वियस है कि इसमें भी ज्वाइंट की तरफ आएगा, अब हमें चेक भी कर लेना है। तो बी वन मेंबर का बॉटम वाला ज्वाइंट उसमें क्लॉकवाइज जाइए, तो बी वन मेंबर का बॉटम वाले ज्वाइंट में क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहां से कहां जा रहे हैं, वन से बी की तरफ जा रहे हैं, वन पहले आएगा बी बाद में आएगा, तो बॉटम वाले ज्वाइंट में वन से बी की तरफ जाना है, बॉटम वाले ज्वाइंट में वन से बी की तरफ। तो देखिए नेचर कैसा होगा, इस तरीके से होगा, ज्वाइंट की तरफ आ गया। हमने ऊपर भी देखा था ज्वाइंट की तरफ आ गया था, तो हम सीधे भी कह सकते थे कि ज्वाइंट की तरफ आएगा, लेकिन अभी चूंकि स्टार्टिंग है हमको चेक करना है, ये ज्वाइंट की तरफ ही आ गया। ज्वाइंट की तरफ आता है तो कैसा नेचर होता है, कंप्रेशन। तो बी वन में कैसा फोर्स आ गया, कंप्रेशन। तो ये जो बी वन है उसको कहां लिख देंगे, कंप्रेशन। अभी हमें नेचर पता चला है, फोर्स कितना होगा ये कैसे पता चलेगा, फोर्स पॉलीगन से। ये सिंपल है, हमने पता किया था कि एक किलो न्यूटन कितने के बराबर होता है, एक सेंटीमीटर के बराबर, वन किलो न्यूटन इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर। तो जिस मेंबर की जितनी लेंथ होगी ये हम स्केल से मेजर कर लेंगे, क्योंकि हमने डायग्राम प्रॉपर स्केल पे बनाया है, तो जितने सेंटीमीटर हो जाएगा उतना ही किलो न्यूटन होगा, क्योंकि वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन किलो न्यूटन। पहले हम ऐसे चले थे, अब हमें इस तरीके से चलना है, सेंटीमीटर को किलो न्यूटन में बदलना है। तो हमारा जो ए वन मेंबर है, ए वन मेंबर की लेंथ हमने मेजर किया कितना आ गया, 7.33, तो 7.33 आ गया, तो ये 7.33 हो गया किलो न्यूटन में। बी वन मेंबर का लेंथ हमने मेजर किया तो कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर, यानी 9 किलो न्यूटन हो गया। सी वन मेंबर 6.36 सेंटीमीटर है तो 6.36 किलो न्यूटन हो गया। नेचर हमने पहले ही निर्धारित कर दिया था, हमें सिर्फ वैल्यू लिखना था, तो वैल्यू यहीं से आ गया। जो भी आप स्केल लेंगे, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1 लिया हुआ है इसलिए आसान है, आप 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर भी ले सकते थे। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अगर लिया होता तो ये जो 9 सेंटीमीटर आ गया इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 4.5 किलो न्यूटन हो जाती, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन हो जाता उस केस में, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलो न्यूटन हो जाता, तो 9 सेंटीमीटर का मतलब 4.5 किलो न्यूटन हो जाता। जो भी आप स्केल लेंगे उसके बेसिस पर ही आपको बनाना है। इस तरीके से ये आपका फोर्स टेबल बन गया। तो ये जो फोर्स टेबल मैंने बनाया है, अब आप सोचेंगे कि इतना एग्जैक्ट कैसे मेजर कर लिया सर ने, 7.33 सेंटीमीटर ही कैसे मेजर कर लिया। तो ये एक्चुअली इसको जो है दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, एग्जाम में टाइम रहता है तो इसी क्वेश्चन को पीछे रफ वर्क में मेथड ऑफ ज्वाइंट से सॉल्व कर लीजिए। तो ये वैल्यू चूंकि जो आई हुई थी वो मेथड ऑफ ज्वाइंट से आई हुई थी, वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर रख दिया है। जब आप वैल्यू मेजर करेंगे तो आपको या तो 7.3 वैल्यू मिलेगी या 7.4 मिलेगा, क्योंकि उसमें आप मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर तक ही मेजर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मेजर कर सकते।
यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी या तो 6.3 मिलीमीटर मिलेगी सेंटीमीटर या 6.4 सेंटीमीटर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर या तो 9 सेंटीमीटर मिलेगी या 8.9 मिलेगा या 9.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है तो 1 मिलीमीटर तक का डिफरेंस आपके उसमें आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से 2 मिलीमीटर तक भी डिफरेंस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम भी हो सकता है उससे 1 से 2 मिलीमीटर के बराबर, और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन उससे ज्यादा अगर डिफरेंस हो जा रहा है, मतलब आपने डायग्राम में या तो एंगल बनाने में गलत कर दिया है, यानी पैरेलल लाइन बनाने में गलती कर दी है, या फिर कहीं लेंथ जो मेजर करना था वो गलत कर दिया। जैसे ये 3.64 मेजर करना था तो ये 3.64 आपको नीचे जाना है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर ही आपको स्केल में उसमें बनाना है वैल्यू, तो जो आप रिएक्शन निकालेंगे उसके बेसिस पर ही बनाते हुए जाना है, उसी के बेसिस पर बनाएंगे तब आपको करेक्ट रिजल्ट इसमें से पता चलेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप बार बार पहले प्रैक्टिस करें, पहले फर्स्ट क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए तभी जो मैं सेकेंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको उसको फिर सॉल्व करें। जब तक फर्स्ट क्वेश्चन एकदम क्लियर ना हो जाए, एग्जैक्ट वैल्यू ना बनने लगे, तब तक आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ ना जाएं। तो ये जैसे आपको ए पॉइंट से सी पॉइंट, पहले बी पॉइंट गए थे 10, फिर 10 से कितना आ गए थे 6.36 सेंटीमीटर आना था, तो 6.36 के लिए लगभग 6.4 आप बना लेंगे, क्योंकि 6.4 ही आप बना पाएंगे, 6 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर, तो उस तरीके से बढ़ा करके इसको 3.6 उसी के बेसिस पर। और एक बात और यहाँ पर याद रखना है कि फाइन पेंसिल का यूज करें, उसको शार्प करना यूज करने से पहले, क्लियर डायग्राम पता चले कि आपका पेंसिल ही जो है इतना मोटा है कि 1 मिलीमीटर की तो लाइन ही बन रही है, ऐसे केस में आपका सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा ये है लेंथ एकदम सही से मेजर करें, और तीसरा ये है कि जो पैरेलल लाइन बना रहे हैं वो सही बनाएं। पैरेलल लाइन सही बनाने से भी ज्यादा जरूरी है कि जो पहला डायग्राम बना रहे हैं उसको सही बनाएं, जितना एंगल आपके क्वेश्चन में दिया है उतना ही बनाएं, जो लेंथ दिया है उसी पर बनाएं। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत होगा दूसरा क्वेश्चन कभी भी सही नहीं बन सकता, या पहला डायग्राम जो है वो आपका अगर गलत हुआ दूसरा डायग्राम गलत हो जाए, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखें, तो बेसिक पहले इसको समझ लें, उसके बाद ही आप दूसरा क्वेश्चन इसमें से ट्राई करें। थैंक यू।